संदेश कि तंबाकू का जो संबंध है वातावरण और एनवायरनमेंट के साथ बहुत गहरा संबंध है। इसी बात से समझ में आ सकता है कि हर 300 सिगरेट बनाने के लिए एक वृक्ष का कटना जरूरी है। तो अगर जो सिगरेट पीने वाले हैं सिगरेट पीना छोड़ दें तो अगर 3 महीने में वो 300 सिगरेट पीते हैं तो 3 महीने में 1 महीने में 300 सिगरेट पीते हैं तो 1 महीने में एक वृक्ष की रक्षा हो जाएगी। और 3 महीने में अगर कम सिगरेट पीते हैं तो 2-3 महीने के एक पूरे वृक्ष की रक्षा हो जाएगी। एक वृक्ष को बड़ा करने में कितना टाइम लगता है, लेकिन एक वृक्ष की रक्षा सिर्फ सिगरेट नहीं पी के सिगरेट छोड़ के की जा सकती है। वजह है निकोटीन। मैंने कहा निकोटीन जो है एक सबसे ज़्यादा एडिक्टिव सब्सटेंस है जो कि हमें मालूम है। तो वो एक बार जो शुरू कर देता है तंबाकू लेना किसी भी रूप में, उसको तंबाकू छोड़ने में काफ़ी मुश्किल होती है और इसलिए उसका प्रयोग चलता रहता है। वो शुरू करते हैं तो वो क्यूरियासिटी की वजह से, इंडस्ट्री के विज्ञापनों की वजह से, अपने दोस्तों की वजह से, सोशल सर्कल की वजह से प्रारंभ कर देते हैं। प्रारंभ करना सरल है लेकिन उसके बाद छोड़ना बड़ा मुश्किल है। इतने तो बहुत चल रहे हैं इसके ऊपर जागरूकता फैलाने के लिए, क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ तो है ही तंबाकू के साथ, लेकिन वातावरण और पर्यावरण संबंधी समस्याएँ भी बहुत ज़्यादा हैं। उसकी वजह से आग लगती है, उसकी वजह से हमारा पानी दूषित हो रहा है, उसकी वजह से हमारा जो सॉइल है वो दूषित हो रहा है। जबकि आपको मालूम है कि जैसे ये सद्गुरु जो हैं उन्होंने 30,000 किलोमीटर की यात्रा करी है, अब आज भारत में आए हैं खाली सॉइल को बचाने के लिए, और ये तंबाकू है ये सॉइल को बुरी तरह ख़राब कर रही है। सेलिब्रिटीज़ हैं ये क्यों तंबाकू का प्रयोग प्रमोट करते हैं, अच्छी तरह जानते हैं कि तंबाकू का जो असर हो रहा है इनके प्रमोशन का वो यंग लोगों को बहुत ज़्यादा हो रहा है और वो इन आदतों के शिकार हो रहे हैं। पर उनका अपना खुद का जो कारण है वो विचित्र सा कारण है कि हम जैसे इलायची का प्रमोशन कर रहे हैं हम तंबाकू का प्रमोशन नहीं कर रहे हैं ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन उनसे पूछ लो कि आप इलायची की बिक्री कितनी करवाते हो और तंबाकू की बिक्री कितनी करवाते हो, पता चल जाएगा इलायची की बिक्री से उनका जो मिल रहा है उसका एक हिस्सा भी जो मेहनताना मिल रहा है उनको वो कवर नहीं होगा, जबकि तंबाकू की बिक्री से कई गुना है उनके मेहनताना से। तो वो किस चीज़ का प्रचार कर रहे हैं ये वो भी समझते हैं, हम भी समझते हैं, आप भी समझते हैं, ठीक। लेकिन बस ये है कि उनको अपने जो पैसा कमाना है अपना खुद का हुआ उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान बजाय लोगों के स्वास्थ्य और लोगों की अक्सर क्या होता है, जैसे अभी उन्होंने एक सवाल पूछा था कि लॉकडाउन के दौरान सब चीज़ें बंद थी और फिर अचानक से उन्होंने बताया कि सिगरेट और दारू की वजह से बहुत ज़्यादा रेवेन्यू मिला। तो हमेशा ये क्या होता है कि इस बात को अंडरलाइन की जाती है कि रेवेन्यू मिल रहा है, उस वजह से जो खर्चा हो रहा है वो भी तो सरकार ही कर रही है। अगर सरकार 100 रुपये खर्चा कमाती है और 800 रुपये खर्चा करती है तो ये तो आमदनी रुपया और तुम्हारा खर्चा 10 रुपये ऐसी वाली बात है। और ये हम लोगों ने समझना बहुत जरूरी है। मैं ये समझता हूँ कि ये बात अभी पॉलिसी मेकर्स के पास में हमारे पास यही एक पर्याय बचा है कि पूरी दुनिया ने पूरे देश ने इसके बारे में बोलना शुरू कर देना चाहिए कि ये गलत है। और जब गलत है तो गलत है, वो गलत कितनी बार प्रूव करेंगे। आज 50 साल हो गए हम लोग उसके बारे में रिसर्च कर रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। हमारे बड़े बड़े कैंसर के हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं, इसके बावजूद भी अगर हमें ये बात समझाने के लिए कोई और प्रयास करने पड़ते हैं तो इसका मतलब या तो हमें उसकी तरफ देखना ही नहीं है, हम वो जो भी बताते हैं वो सुन नहीं रहे, या फिर उसका कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। ऐसी प्रसिद्धि शायद लोगों को अच्छी नहीं लगेगी और वो शायद उनका जो स्वतंत्र होता है व्यक्ति स्वतंत्र उसके बारे में लोग बात करेंगे, बट मैं ये समझता हूँ कि ये बात गलत है तो उसके तरफ देखने का रवैया। जैसे आज कोई शरीफ आदमी अगर दारू की दुकान में जाकर बोतल लेता है तो वो 10 बार आजू बाजू में देख लेगा कि कोई मुझे देख ना ले, तो वही वो बात उसको सिगरेट या तंबाकू खरीदते वाली। और जैसे इन्होंने कहा कि रॉ तंबाकू इजीली अवेलेबल है, किलो के भाव से बिकता है, ना उसके ऊपर ना कोई लेबल है ना कोई वार्निंग लिखी हुई है, उसका क्या करें। तो मुझे लगता है कि लोगों के जहन में ये बात हो जा आनी चाहिए कि अरे भाई जो कर रहे गलत है,
उसके तरफ देखने का रवैया बदल लेना चाहिए सर। लेकिन आज तो यंग जनरेशन सबसे ज्यादा इसका सेवन कर रहा है। बिहेवियरल प्रॉब्लम जो है हमारी युवा पीढ़ी की हो या पूरी जनता की हो, ये अपने आप में बहुत ही कठिन सवाल है। ऐसा क्यों होता है जबकि जैसे आप सर ने कहा कि निकोटीन सबसे ज़्यादा एडिक्टिव है, उसी प्रकार की एडिक्टिव चीज़ें सब चक्कर है, नमक है, और उसके बारे में भी बोला जाता है। आज हाइपरटेंशन की तादाद बढ़ रही है, तो ऐसा नहीं है कि लोगों को पता नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने उसको पब्लिश नहीं किया है, आप हमेशा आर्टिकल पब्लिश करते रहते हैं, मगर ये नो टोबैको डे एक दिन का करके कोई उपयोग नहीं है। जैसे मदर्स डे होता है ना, तो इसका मतलब मदर को एक दिन हम सलाम करेंगे ऐसा नहीं, वो जिंदगी भर सलाम करते हैं। उसी तरह जिंदगी भर हमें नो टोबैको के बारे में बात करनी चाहिए, एक दिन से नहीं होगा। उसके बारे में यंग लोग क्यों ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, इसलिए कि इंडस्ट्री जो इतना विज्ञापन करती है, अभी आपने सुना कि किस तरह से जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं जिनको पद्मश्री वगैरह मिल चुका है, वो भी इसका विज्ञापन करते हैं, इसका असर किस पे होता है? सबसे ज़्यादा असर यंग लोगों पर होता है, और इसलिए इस विज्ञापनों की वजह से ही यंग लोग सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। इन विज्ञापनों का असर बड़े लोगों पर बहुत कम होता है, इसलिए बड़े लोग कभी तम्बाकू का उपयोग करना शुरू नहीं करते। अगर नहीं 25 साल तक किसी ने तम्बाकू का उपयोग नहीं किया है, तो कोई संभावना नहीं है कि वो तम्बाकू का उपयोग बाद में शुरू करें, और इसीलिए उनका एक्सपोजर बंद करना बहुत ज़रूरी है। जैसे जो रिसर्च बता रहा है, दिन में 5,500 बच्चे नए बच्चे तम्बाकू का सेवन करते हैं, उसको रोकने के लिए हमें उनको जो एक्सपोजर होता है, जैसे रोल मॉडल उनको एडवर्टाइज कर रहे हैं या फिर उनको जहाँ जा रहे हैं, जैसे उन्होंने कहा था कि कैंडी के बाजू में तम्बाकू का प्रोडक्ट डिस्प्ले किया जाता है, तो ये सारी जहाँ पे भी रिसर्च अप्लाई करण्याची वेळ आलेली आहे। आणि आता भारतामध्ये जे 267 मिलियन लोक आहेत, त्याच्यातल्या ते बरेचसे लोक हे तंबाखू सोडायला तयार आहेत, आणि ते तंबाखू सोडायला जे लोक तयार आहेत त्यांच्यासाठी आपल्याला इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करणं खूप जरूरी आहे। गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाने क्विटलाईन नंबर चालू केलेला आहे, तो क्विटलाईन नंबर साधारणतः आमच्या माहितीनुसार वर्षभरामध्ये 1,00,000 जास्त लोक त्या क्विटलाईन नंबरला कॉल करतात, पण आपल्याकडे जे 4 सेंटर अवेलेबल आहेत ऑल ओव्हर इंडियामध्ये, ते जवळजवळ 20,000 ते 25,000 लोकांना ते सर्व्हिसेस त्याला सपोर्ट देऊ शकतात। मग आता आपल्याला ही क्विटलाईन नंबरचा सपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर जो आहे प्रत्येक राज्यामध्ये, मी तर सांगेन प्रत्येक शहरामध्ये त्यांना सपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल करून दिला पाहिजे, आणि जी गव्हर्नमेंटची क्विटलाईन इन्फ्रास्ट्रक्चर आहे त्याच्यात जे सक्सेसफुली तो प्रोग्राम कम्प्लीट करतात, त्याच्यात ते 25% तंबाखू युजर जे आहेत ते तंबाखू सोडण्यामध्ये सक्सेसफुल झाले आहेत, त्यामुळे तो जे माध्यम आहे ते खूप महत्त्वपूर्ण आहे, आणि त्याचा उपयोग आपल्याला वेगवेगळ्या राज्य लेवलला करणं खूप जास्त जरूर आहे। आणि दुसरा एक पॉईंट महत्त्वाचा जो आहे की आपलं जे तंबाखूचे जे प्रोडक्ट आहेत ते लोकांसाठी अनअफोर्डेबल बनवले पाहिजे, जेणेकरून गव्हर्नमेंटला जे 100 रुपयाचा जो टॅक्स रेव्हेन्यू मिळतोय, पण गव्हर्नमेंट जवळजवळ 800 ते 900 रुपये त्यांना तंबाखूच्या आजारांमुळे होणाऱ्या गोष्टींवर खर्च करतो। त्यासाठी सर्वात मोठा महत्त्वाचा प्रयत्न आम्ही काय करतोय की हे जे नॅशनल लेवलचे जे फायंडिंग्स आहेत ते पब्लिकपर्यंत डिसेमिनेट करतोय, पॉलिसी मेकर्सला आम्ही त्यांना नोटिफिकेशन करतोय, जे एक्झिस्टिंग लॉज आहेत त्याच्यामध्ये शॉर्टफॉल कुठे आहे, जिथे इम्प्रूव्हमेंटची गरज आहे ते आम्ही नोटीस करून दिलेलं आहे। जसं आम्ही सांगितलेलं आहे की लोकांचे इंटेन्शन आहेत पण त्यांना क्विटिंगचा सपोर्ट अवेलेबल नाही, टबॅकोची प्राईस वाढलेली आहे पण ती अफोर्डेबल झालेली आहे, 1 रुपया जर बीडी असेल तर 1 रुपया बीडी आज 2022 कोणीही अफोर्ड करू शकतो, तो अनअफोर्डेबल करण्यासाठी खूप जास्त महत्त्वाचं आहे। उदाहरणार्थ आम्ही एक सांगितलं की जसं शाळेच्या 100 यार्ड्समध्ये तंबाखूचा सेल झाला नाही पाहिजे, सेल टू मायनर झाला नाही पाहिजे, ही पॉलिसी जर राज्या शहरांमध्ये इम्प्लिमेंट केली तर कुठेही तंबाखूचा सेल होऊ शकत नाही आणि ते जास्त इफेक्टिव्हली इम्प्लिमेंट होऊ शकतो।